जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि तैयारी कैसे करनी है CAPF की। लगभग 80 दिन बचे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि डेली का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ये डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों की आ रही है। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। कोशिश रहेगी कि इस छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी फेयर आइडिया हो जाए कि किन किन टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये किस कोई भी टीचर, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी, मैं पिछले 3 साल से लगातार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई ये कहता है कि इतना ही पढ़ के जाओ और उसमें क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से आपका पेपर पूछा जा सकता है और खासकर पिछले 2-3 साल में पेपर काफ़ी ट्वीक हो रहा है। बट अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम हमेशा 20-80 का रूल कहते हैं कि 20% टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें 80% सिलेबस जो है पूछा जाता है। कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार आपको सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है कि ज्योग्राफी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में सवाल ना पूछे जाएं, हो सकता है पॉलिटी में पूछ ले जाए, हो सकता है ज्योग्राफी पॉलिटी में ना पूछे जाए, हो सकता है इकोनॉमी और हिस्ट्री में पूछ ली जाए, साइंस में पूछ ले जाए। तो यहां पर आपको उन टॉपिक्स को समझना है, उन सोर्सेस को, उन एरियाज को समझना है कि कहां कहां से चीजें पढ़नी है और कहां पर आप इनको देख सकते हैं। मैं सोर्सेज भी बीच बीच में बताता जाऊंगा, टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको ध्यान में रखनी है, अपने अगले लाइक 80 डेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये CAPF पेपर 1 के लिए है। इसमें पेपर 2 को लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि पेपर 2 को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेनी स्टूडेंट्स लूज द इंटरेस्ट ऑफ वॉचिंग द वीडियो। तो आइडिया यही है कि पेपर 1, सबसे पहले पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तभी तो पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 में मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करूं, मेरे को 65 नेट क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, 70 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं 125 में से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखो, ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप पिछले 10 सालों में एक टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है वो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिजियोग्राफी में भी, जनरल फिजियोग्राफी में भी 3 टॉपिक्स हम काउंट करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू के कौन कौन से टॉपिक आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स, सिस्टम, सो हमारे सोलर सिस्टम को लेकर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री का है, कहाँ पर है, क्या बोलते हैं उन लाइन्स को, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें से पास करती हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इस जगह पर हैं, सुबह के 6 बजे हैं, तो इस डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितना समय हो रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। देन आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आता है वॉल्केनोज, वॉल्केनोज में एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं। उसके बाद आपका आता है लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सारे के सारे लैंडफॉर्म्स, ठीक है, 5 मेन एजेंट्स हैं, उनके फर्दर लैंडफॉर्म्स, ठीक है, काफी ज्यादा है, बट एक बार दो बार उसको पढ़ोगे, दैट इज द मेन एरिया जिसमें से आपको लगभग लगभग तय है कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगेन, मैं उस 20-30% सिलेबस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी की बात करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली जितने जियोमॉर्फोलॉजी में पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद आपको साइक्लोन्स, क्या होता है साइक्लोन को, क्या अलग अलग जगह क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ओशनोग्राफी में अगर आप ओशन करंट्स, टाइड, सैलिनिटी, बस। ठीक है, तो ये है आपका फिजियोग्राफी। अगर आप इतने टॉपिक्स जो मैंने अभी बोले, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं, ये आपका काफी बड़ा चंक जो है क्वेश्चंस का इसमें कवर कर लेगा।
नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पार्ट आता है आपका इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है। इंडियन फिजियोग्राफी में भी मतलब आप मान के चलिए जैसे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम कहते हैं, हिमालयाज है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जिन्होंने सेशंस देखे हैं दे नो, ठीक है। तो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, उन पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कंफर्म है कि उस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है जिस पे लगभग लगभग हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे वो आता है आपका सॉइल एंड वेजिटेशन, ठीक है। सॉइल्स एंड वेजिटेशन इस पे भी आप मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब पिछले 10 सालों का अगर मैं एनालिसिस लेता हूँ, बीच में 1-2 साल ऐसा हो सकता है कि नहीं पूछा गया, ठीक है। तो समबडी विल से कि नहीं जी उस साल नहीं पूछा गया था, इट इज़ आप 1 साल को लेकर कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते या 1 साल को लेकर एनालिसिस नहीं कर सकते, यू हैव टू सी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, रेवोल्यूशंस हैं, बेसिक टर्म्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। देन आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बेसिक टर्म्स हो गई, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया हो गए, एंड एनवायरमेंटल ट्रीटीज जो दुनिया भर में एनवायरमेंटल ट्रीटीज है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ होगा, उसको लेकर मैंने एक ट्रिक की वीडियो भी बनाई है, ठीक है, सारी की सारी उसको ट्रिक्स के थ्रू भी हमने याद किया है, ठीक है। सिमिलरली जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स क्या हैं, टाइगर रिजर्व्स क्या हैं, इसको लेकर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स की बची है वो भी मैं डाल दूंगा, बर्ड सेंचुरीज को लेकर भी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। देन आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग, ठीक है, इसको आप करंट अफेयर्स में भी गिन सकते हैं, क्योंकि जनरली ये भी देखा गया है कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है उन पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको करने का तरीका ये है कि एक दिन में ये नहीं होगा, आपको रोज़ के 15 मिनट डिवोट करने हैं, जब भी आपका मतलब लाइक यू फील लाइक रिलैक्सिंग, ठीक है, यू फील लाइक रिलैक्सिंग, तो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव रिलैक्सेशन आपका वर्ल्ड मैपिंग है, ठीक है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट खोलना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट खोला, अच्छा उसके फिजियोग्राफिक फीचर्स देखे, अच्छा कहाँ पर है साहेल रीजन, कहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन कौन सी कंट्रीज, इक्वेटर, ठीक है, नामिब डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वो पिक्चर बनती जाएगी उतना बेटर चांसेस हैं कि आप वर्ल्ड मैपिंग को सही करके आओगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस को इसको रट नहीं सकते, ठीक है, ये फॉर श्योर है, ये आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अगेन बार बार क्वेश्चन पूछता है। पहला आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12-35 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आपका रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 में जो हम 5 रिट्स की बात पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें 14 से लेकर 31 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, रादर 30 तक। नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, अब आप जब प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नर को भी पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग है, मतलब 60-70% सेम है, ठीक है, सो इट डजेंट मेक एनी सेंस तो क्या आप प्रेसिडेंट पढ़े और गवर्नर छोड़ दें। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर से भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, अगेन इफ यू आर रीडिंग अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप स्टेट गवर्नमेंट को साथ ना पढ़ें, दोनों को पैरेलली पढ़ना है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है, ठीक है, देन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज हो गया। उसके बाद आपका आता है जुडिशरी, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे लगभग पूरा सिलेबस हो गया, नहीं, ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अगर आप देखेंगे बीच में 2-3 साल ऐसे रहे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बट कई बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है, और खासकर इलेक्शंस का सीजन है तो माइट बी चांसेस के इस पे क्वेश्चन 3-4 आपको क्वेश्चन मिल जाए इस पे। देन आपका जजमेंट्स, ये वाला टॉपिक रिसेंटली आप कह लो कि ऐड हुआ है, CDS में भी पूछ रहा है, CAPF में भी पूछ रहा है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है आपका जजमेंट का, तो इसको लेकर मैंने एक पूरा सेशन लिया है पेड बैच में जिसको आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी जजमेंट डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हमने सारी उसमें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है
हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में तीन पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। बहुत सारे बच्चे एंशियंट और मेडिवल को देख के बिल्कुल दूर से ही नमस्ते कर देते हैं कि जी ये बिल्कुल हमारे बस के बाहर है। बट फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि जो भी आपको ये कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दो ये वाला टॉपिक, वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि एंशियंट और मेडिवल से कई बार 15-15 क्वेश्चन पूछ लिए। आप सोच के चलिए कि पेपर में आप बैठे 125 में से 15 क्वेश्चन आपको नहीं, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, और उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इसमें से आप ये समझ के चलो कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, वो आप कर सकते हैं। तो इनमें टॉपिक देख लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यास एंड गुप्तास, ठीक है, ये चार टॉपिक है। इसमें आप महाजन पद को भी ले सकते हो, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू टेक इट। ये वो चार एरियाज हैं जिन पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे अगर आप पिछले 10 साल के एनालिसिस को देखोगे, ठीक है। अब इसमें आप देखो, मौर्यास की जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्री मौर्यास भी, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हर्यक डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी है, पोस्ट मौर्यास में जो है कौन थे, कन्वा डायनेस्टी आई, ठीक है, गुप्ताज में, पोस्ट गुप्ताज में कौन था, ठीक है, हर्षवर्धन इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ब्रॉडली ये टॉपिक्स हैं। अब इसमें भी अगर मैं बुद्धिज्म, जैनिज्म है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एट फोल्ड पाथ क्या है, उसकी एक मैंने ट्रिक भी डिस्कस की है, बेसिक चीज़ें आपका पूछता है, तो एटलीस्ट इसकी 12th क्लास की, मैं 12th क्लास की NCERT बार बार रेकमेंड करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इस बार मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर CDS के पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए 12th क्लास की NCERT से, आपने काफ़ी रेकमेंड किया था, मैं स्टिल रेकमेंड करूँगा। देखो, किसी एक पर्टिकुलर पेपर को लेकर हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अब ऐसा ही पूछा जाएगा, और सवाल आता है कि कितना डेप्थ में जाएं, ठीक है। मेरे पास 80 डेज बचे हैं, लगभग आप मान के चलो कि एक स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है तो 640 आवर्स हैं, तो 640 घंटे में मैं क्या अपना पूरा समय एंशियंट हिस्ट्री में दे दूं या पूरा पॉलिटी में दे दूं? नहीं ना। तो मेरे को 9 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं पेपर वन के लिए। पेपर टू तो अभी मैं कह भी नहीं रहा, पेपर वन के लिए आप मान के चलो कितना हो रहा है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स एंड रीजनिंग एक सब्जेक्ट अगर मैं मानता हूँ, देन करंट अफेयर्स, 9 सब्जेक्ट बैठते हैं ये। तो इन 9 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन हैं, तो इट मेक्स नो सेंस दैट आई शुड बी पुटिंग इन टू मच ऑफ टाइम इन टू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट इज द एरियाज यू शुड बी कवरिंग। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। मतलब आप ये मान के चलो कि पिछले 10 सालों में आपको लगभग लगभग हर साल एक आध क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे, मतलब लगभग तय है ये। अब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में आपका NCERT का चैप्टर है, ठीक है, 12th क्लास की जो नई NCERTs हैं, सेकंड NCERT में एक आपका भक्ति सूफी मूवमेंट का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, रीड इट थॉरोली, मतलब कहते हैं ना लाइन बाय लाइन जो है उसमें, ऑब्वियसली साउथ में कौन कौन थे भक्ति मूवमेंट, नयनार्स कौन थे, अलवर्स कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब हर चीज़ जो है उसमें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है विजयनगर एम्पायर। देखो, इसमें मैंने दिल्ली सल्तनत नहीं लिखा, ठीक है, अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन कम पूछने लगा है आजकल, ठीक है, द सिंपल रीजन इज के सिर्फ दिल्ली की हिस्ट्री नहीं पूछ रहा, वो इंडिया के हर कोने की हिस्ट्री पूछ रहा है। तो उसमें विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर से आपका भी क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछ रहा है, बैटल ऑफ तालीकोटा है, महानवमी डिब्बा है, क्या है, सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि ये मैं बीच में क्या क्या टर्म्स बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप NCERTs पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, ठीक है। मुगल्स पे अगेन देखो, एंशियंट और मेडिवल को पढ़ने के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग है। एंशियंट और मेडिवल को पढ़ने के लिए आपको 6 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको ये समझना है कि हिस्ट्री जो है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सिर्फ ये नहीं है कि राजा के बाद राजा कौन आया, ये पढ़ना है, ये याद रखना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछता है, रादर कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री ये ज़्यादा पूछता है, मतलब कौन सी बुक किसने लिखी, कल्चर, पेंटिंग, ठीक है, वुमेन को लेकर, ये सारी चीज़ें, रिलीजियस हिस्ट्री, ठीक है, पर्टिकुलर क्या चीज़ें हुई, ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना है, NCERTs में भी इस पर फोकस है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि फोकस कहाँ है, ठीक है, गवर्नमेंट का या ओवरऑल भी आपसे क्या एक्सपेक्टेड है।
चलो नेक्स्ट आता है मराठास। देखो मराठास के बारे में भी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कम से कम 4-5 साल से, ठीक है। अब इसमें मराठास में भी आपको ये समझना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बेसिक्स पढ़ने हैं कि मराठास में क्या कहाँ कहाँ था, वही अगेन 6 पार्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। देन बहामनी सल्तनत में भी अगेन भाई कुतुबशाही, इमादशाही, ये कहाँ कहाँ थे एग्जैक्टली, ठीक है, गोलकोंडा, और इसमें कौन कौन से रूलर्स थे और कब किस किस पर्टिकुलर पार्ट में ये रहे, ठीक है। उसके बाद आपका फॉरेन ट्रेवलर्स का एक पूरा एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेवलर्स का। बेसिकली फॉरेन ट्रेवलर्स क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमें उस टाइम के बारे में कैसे पता है कि ये हुआ, या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं या बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो हम उन दोनों को कलेबोरेट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है नहीं। तो फॉरेन ट्रेवलर्स का लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये है आपका मिडिवल हिस्ट्री, उसमें भक्ति सूफी मूवमेंट। तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, तो मैं ये कहूंगा कि भक्ति सूफी मूवमेंट और विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और एक फॉरेन ट्रेवलर्स, ये 3 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जो एनसीईआरटी के चैप्टर है बस उतना पढ़ लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो लगभग आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि रिलेटेबल है, बहुत सारे करेक्टर्स को आज भी हम पढ़ते हैं और बहुत पुराने समय की नहीं हम बात कर रहे, तो काफ़ी इजी है टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर आल्सो। तो आई वुड से कि मॉडर्न हिस्ट्री को तो आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बीच में 2-3 साल ऐसे रहे जिसमें बहुत कम पूछे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, बट दैट डज नॉट मीन कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के जाएं, ठीक है, किसी भी तरीके से। बट अगेन इसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, वॉर एंड ट्रीटीज, ठीक है, कौन सी, खासकर अंग्रेजों की, ठीक है, जब हम अंग्रेज अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे थे टिल आप मान के चलिए कि एंग्लो सिख वॉर्स तक, ठीक है, 1850s तक, लगभग ये 100 साल का पहली बैटल ऑफ प्लासी से लेकर एंग्लो सिख वॉर तक अलग अलग वॉर्स हुई, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई, एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, कौन कौन सी इसमें ट्रीटीज हुई, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीजेंट ट्राइबल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी पर्सनैलिटीज, ठीक है, किसने ये रिवोल्ट में थे, सन्यासी रिवोल्ट में कौन थे, पावना रिवोल्ट में कौन थे, ठीक है, ये आपके सिंपल क्वेश्चन जो है पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद, ठीक है, देखो मैंने गांधीयन एरा को बड़े उसमें लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, मतलब ये वाला टॉपिक तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इस पे तो क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, मतलब अब वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है क्योंकि वेरी किया है पिछले काफ़ी सालों में, बट ये तो बिल्कुल नहीं छोटा है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट आ गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन / मूवमेंट्स, ये मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के बनने के बाद, ठीक है, 1885 के बाद की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गई, उनके फाउंडर्स हो गए, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एक अगर मैं ऐड करूँ वुमेन, ठीक है, वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट महिलाएं रहीं जिनका योगदान रहा मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल में, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगेन ये टॉपिक्स नॉट टू बी मिस्ड एट ऑल हैं, ठीक है, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, बाकी आप कुछ और पढ़ के ना जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल के बेसिस पे मैं इसको कह रहा हूं। नेक्स्ट आता है साइंस, बहुत सारे बच्चे CDS 1 2024 का पेपर देने के बाद कि सर साइंस 9th और 10th NCERT तो पूछा ही नहीं, 11th 12th की NCERT पूछ ली। अब मेरा सवाल एक सिंपल सा ये है, अगेन 80 डेज 8 आवर्स पर डे अगर एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है 640 आवर्स, तो 640 आवर्स जिसमें मेरे को रिवीजन भी करनी है, बहुत 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर 2 की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनके लिए वो टाइम पीरियड और कम है, तो इज़ दैट मेक एनी सेंस कि आप 11th 12th की भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो, ठीक है, जी नहीं। 9th और 10th क्लास की NCERT में 9th क्लास में 12 चैप्टर्स हैं, 10th क्लास में 13 चैप्टर्स हैं, टोटल 25 चैप्टर बनते हैं, 25 चैप्टर को पढ़ने में एसिमिलेट करने में भी टाइम लगेगा। तो आई वुड से कि आपको ये समझना है कि 25-30 क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे तो 30 क्वेश्चंस ही हैं, 28-30 क्वेश्चन, फिर भी मैं 25-30 क्वेश्चन साइंस के मान लेता हूँ,
तो ये एक ऐसा पार्ट है जिससे मेरा मैक्सिमम कवर होता है, 25 to 30 क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर पेड क्लासेस में हमने सारे के सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे हमने सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। इसके अलावा, इसके 9th और 10th एनसीईआरटी के अलावा वाइटामिन एंड मिनरल्स, वाइटामिन नाम क्या है, ए बी कॉम्प्लेक्स सी, ठीक है, ये सारे नाम हो गए, डिजीजेस कौन कौन सी हैं उनकी डेफिशिएंसी से, मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं, माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं, इसकी भी मैंने ट्रिक डिस्कस की हुई है, डिजीजेस कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत स्टैंडर्ड सा टॉपिक है, ये आपका पूछता है, ठीक है। तो अब 9th और 10th क्लास ही एनसीईआरटी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, तीनों ही कंप्लीट होते हैं। आप मान के चलिए कि जो मैं आपको 25 चैप्टर्स कह रहा हूँ, तो इसमें लगभग 8-8 चैप्टर जो है तीनों ही सब्जेक्ट के बैठ रहे हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो ये आपका फोकस एरिया है जिस पे आपको फोकस करना है, ऑब्वियसली इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको इसके साथ करना है, पर फोकस आपका ये होना चाहिए, डोंट स्टार्ट रीडिंग। हाँ, कुछ टॉपिक आपको लग सकता है 11th और 12th के क्या पढ़ लें, ठीक है, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर फोकस आपका यही होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम तो छोड़ के जाते हैं, प्लीज़ डोंट लीव एनी सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, जैसे अपने एंशियंट और मिडिवल का डिस्कस किया, पर इकोनॉमी पिछले कुछ समय से लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन, और जिनमें से आप 8-9 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो ये आपका बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरीके से बहुत सारे हमने चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लगभग इस पे क्वेश्चन बहुत बार, पिछले साल तो एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट आता है पब्लिक फाइनेंसिस, फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या है, एक साल से कम पैसा रेज करना, एक साल से ज़्यादा पैसा रेज करना, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये बेसिक चीज़ें हैं आपका, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का टॉपिक ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी है, 1-2 GDP में 15% ही कंट्रीब्यूट करता है, 14-15%, पर लगभग 50% पॉपुलेशन हमारी इस पर निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इस पर है बैंकिंग सेक्टर पर क्वेश्चन, ठीक है, M0, M1, M2, ठीक है, बेसिक जो बैंकिंग रिफॉर्म्स रहे, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, बेसिक चीज़ें पूछता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। देन आपका बजट एंड करंट अफेयर्स, सीए मतलब करंट अफेयर्स, बजट एंड करंट अफेयर्स, जो अभी लेटेस्ट बजट था 1 फरवरी को आया था, इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई, इंपॉर्टेंट स्कीम्स कही गई, और इसके अलावा इकॉनमी का करंट अफेयर्स, ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो आपको इकॉनमी में कवर करने हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर मैं एक टॉपिक और पॉवर्टी इन्फ्लेशन भी ऐड कर लूँ, ठीक है, इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन में होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों होता है, फैक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, देखो मैथ्स एंड रीजनिंग के अगर आप टॉपिक्स को देखोगे, लगभग सारे टॉपिक्स हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना पूछा गया हो, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चूजी हम नहीं हो सकते, बट स्टिल मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो ईजी हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो जो जिनको मैथ से बड़ा डर लगता है या जिनका मैथ्स उतना कम्फर्ट एरिया नहीं है, मैं ये कहूँगा ये वो एरिया है जो बहुत स्कोरिंग है, 15 से 20 क्वेश्चन में आप 100% एक्यूरेसी तक क्वेश्चन करके आ सकते हैं, एटलीस्ट 90% तो टारगेट कर ही सकते हैं, ठीक है, ये आपके स्कोर को एक्चुअली में पुश करेगा, ठीक है, मतलब वो 70 नेट क्वेश्चंस करेक्ट करने वाला जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो वो 70 नेट क्वेश्चंस करेक्ट तब हैं जब आप 15 से 20 क्वेश्चन ये ठीक करके आ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मैथ्स रीजनिंग बेसिक लेवल का पूछता है, बट लगभग सारे एरियाज कवर कर लेता है वो, ठीक है। एवरेज एंड मिक्सचर्स, अब जब मैं एवरेज एंड मिक्सचर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं सारे टॉपिक ले रहा हूँ, एवरेज मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, जो उसी से रिलेटेड है, परसेंटेजेस, ठीक है, इसी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसी से रिलेटेड आपका ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं।
देन ज्योमेट्री बेसिक, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ज्योमेट्री तो बड़ा मुश्किल है जी पढ़ना, बेसिक पूछता है, बिल्कुल बेसिक पूछता है। सिमिलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बेसिक पूछता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं या बेसिक पढ़ लीजिए एटलीस्ट। तो ये है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, सेट थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन है, सेट थ्योरी पे भी अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बट सेट थ्योरी पे काफी क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग आपको एक आध क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा। देन क्लॉक, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशंस, इस पे भी आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। अगेन ये 10 साल का एनालिसिस मैं बार बार बोल रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, तो ये इस पे ये ब्रॉड एरियाज हैं। अच्छा, आप मैथ्स के लिए एक चीज सुन लो, मैथ्स के लिए अगर आपको एक्चुअली में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, मेरा सजेशन ये है कि ये जो 80 दिन बचे हैं आपको हर रोज एक घंटा देना है मैथ्स को, ठीक है। अगर आप अब आपको कहेंगे अच्छा मतलब 80 आवर्स देने हैं, चलो 80 आवर्स नहीं तो 50-60 आवर्स, मतलब 50-60 आवर्स जो है यू शुड बी डिवोटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मतलब ये तो बेयर मिनिमम है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, मतलब वो 15 में से 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आए तो 16-17 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये टाइम देना चाहिए, ठीक है, वर्थ है, ठीक है। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, अगर आपको लगता है कि कहाँ से करें तो बेस्ट वे इज टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स देखो, ठीक है, इसको समझो, एसिमिलेट करो कि कैसे आप उसको फास्ट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 15 क्वेश्चन में आधा घंटा लगा के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, क्योंकि 125 क्वेश्चन है 2 घंटे में, तो यू आर नॉट गेटिंग इवन 1 मिनट फॉर द क्वेश्चन। सो यू हैव टू इंश्योर कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो 15 या मैक्सिमम 20 मिनट में कवर हो जाने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस, वो वाला लेवल भी आना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार पूछता है, ठीक है, अगेन डिफेंस एंड मिलिट्री, मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको इस पे से मिलेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये वैसे हमने ज्योग्राफी में कवर कर लिया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से करंट अफेयर से रिलेटेड, कोई रामसर वेटलैंड साइट ऐड हुई, कोई टाइगर रिजर्व ऐड हुआ, कोई बायोस्फीयर रिजर्व या कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, न्यूज़ में था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल न्यूज़, ठीक है, GI टैग कोई ऐड हुआ है। देन आपका कमीशंस, कमिटीज, ठीक है, कमीशंस या कमिटी, कोई इंपॉर्टेंट कमीशन कमिटी बैठा है, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जो हमने इंडियन इकोनॉमी कहा, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, उसका कोई ना कोई आपको इकोनॉमी से ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में रहा होगा। इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, बड़ा इवेंट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ नहीं पूछेगा, या तो कोई मान लीजिए वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो ओडेसा पोर्ट पूछ लिया, ठीक है, आपका जैसे एलात पोर्ट पूछ लिया, अभी इसराइल और हमास में चल रहा है तो एलात पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस तरीके से मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए और पर्टिकुलर कोई इवेंट हो गया, ठीक है, वो पूछ लिया। देन प्लेसेस इन न्यूज़, मैपिंग बेस्ड, मैपिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ल्ड मैपिंग, रोज़ के आपको 10-15 मिनट देने हैं, ठीक है, जब आप रिलैक्स हों तब यू हैव टू जस्ट पिक 1 पेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एटलस, ठीक है, उस में से आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसको एसिमिलेट करना है। देन आपका स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स में भी 1-2 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये है पूरा का पूरा एनालिसिस, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, ये एक कोशिश थी उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जो कि स्टूडेंट्स ने बहुत मैसेज किए पिछले 2 या 3 दिन में, अलग अलग स्टूडेंट्स ने, कि हमें एक ऐसा वीडियो को, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पेपर 1 के कुछ एरियाज़ मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो हमेशा ही UPSC एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो, या इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने डिस्कस नहीं किया या होना चाहिए, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बिल्कुल लिखिए उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर मेरे को इफ़ आई एम ऑल्सो एग्री विद योर व्यू पॉइंट तो मैं आपको थम्स अप दूंगा, इवन टीम निष्ठा के चैनल से हम आपको ओके भी करेंगे कि येस यू वी एग्री विद यू, ठीक है। तो आइडिया हेयर इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू, इट इज़ लाइक अ ग्रुप
हु आर हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, कि एग्जैक्टली बाकी स्टूडेंट्स जो खासकर पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो बार तीन बार पेपर दिया है, वो बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनको भी हेल्प करें, ठीक है. सो वी वर्क एज अ टीम एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ द स्कोर शुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है. लिमिटेड नॉलेज में बेस्ट मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, दैट इज द आइडिया. थैंक यू सो मच. जय हिंद. वंदे मातरम.